अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक रेमेडी लेकर आया हूँ, टोटका लेकर आया हूँ। सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनका वॉमिट हो रही है और दिल ख़राब हो रहा है और मतली होती है, नोज़िया उन्हें है, कि ये सफ़र करके आए हैं, कि लंबा सफ़र किया है तो उसके चक्कर ख़त्म नहीं हो रहे, या कोई ऐसी बीमारी लगी है जिसमें दिल ख़राब होता है, वॉमिट होती है बार बार, आपका जो है कलेजा बाहर को आता है, तो दोस्तों ऐसे, और ऐसे लोग जिनके पेट के अंदर बहुत शदीद गैस है, बदहजमी का वो शिकार हैं, तो उनके लिए भी, और खाना हजम नहीं हुआ या खाना बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लिए, तो उसके बाद बना के आप मशरूम पी सकते हैं, ये कहवा पी सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल है। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 200 मिलीलीटर के करीब पानी लिया है, मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है, तो आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं इसी क्वान्टिटी में। तो 1/2 टीस्पून मैंने लिया है लेमन जूस, ये फ्रेशली स्क्वीज है। और दोस्तों इसमें मैं, अगर आपको टेस्ट पसंद है इसका तो ऐसे पी लें, अदरवाइज आप इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब चीनी शामिल कर दें, ये ऑप्शनल है, इसे डालें या ना डालें, इसकी जो गज़ाइत है या जो इसके फ़ायदे, इसके फ़ायदे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने चीनी ली है, 2 से 3 चुटकी मैंने काला नमक लिया है, 2 से 3 चुटकी मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा ये, 2 से 3 चुटकी ही मैंने सौंफ ली है, 10 के करीब मैंने पत्ते लिए हैं, 8 से 10 पत्ते आपने लेने हैं, ये देसी पुदीने के हैं। अगर आपको नहीं मिले तो मार्केट से आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ला के 1/4 टीस्पून के करीब यूज़ कर लीजिएगा। अगर पाउडर भी नहीं मिला तो देसी पुदीना भी नहीं मिला तो जो आम जो पुदीना मिलता है मार्केट से वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यह मोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये आपने तोड़ के यूज़ करनी है एक अदर। चलें दोस्तों, मैंने एक बर्तन रख लिया है, सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे, और पुदीने के जो मैंने पत्ते आपको बताए 8 से 10, इसके अंदर बहुत बारीक काट देने आपने इस तरह। लेमन जूस शामिल कर दें, चीनी, मोटी इलायची, सौंफ, जीरा और काला नमक भी शामिल करते हैं। मिक्स कर लें इसे। और दोस्तों हमने 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल करना है, सारी चीज़ें डालने के बाद। उसके बाद हम इसे फिल्टर आउट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमने। चलें दोस्तों, ये बॉईल आ चुका है, 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मैंने इसे जोश दे दिए। अब यहाँ पे हम इसे फिल्टर आउट करते हैं। चलें दोस्तों, एक पानी ले लें और इसे छान लें। चलें दोस्तों, हमारी ये जो है मशरूम रेडी है, यानी कहवा रेडी है। अब आपने इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, तो सर्दी है तो नीम गर्म पी सकते हैं या रूम टेम्परेचर पर पीने, अगर गर्मी है तो आपने इसे ठंडा करना है, ठंडा करके आपने पीना है इसे, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके लेना है, तो ये फौरी आपको रिलीफ देगा। बदहजमी है, पेट ख़राब है, दिल ख़राब हो रहा है, उल्टी वाली कैफे जो आपकी दूर नहीं हो रही, वॉमिट हो रही है, जिगर सही काम नहीं कर रहा, तो ये जिगर को क्लेंस भी करेगा, आपको भूख मज़ीद लगाएगा खाना हजम करने के साथ साथ। तो दोस्तों, मैदे में गैस है या आंतों के अंदर भी गैस है, जमा है, तो ये सारी जो आपकी गैस को रिलीज़ कर देगा, तो आप हल्का फुल्का फील करेंगे। तो दोस्तों आपने इसे ज़रूर बनाना है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है, मैंने इसे यूज़ किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। मैंने इसे आप लोग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है, तो मैदे में किसी भी किस्म की एसिडिटी है, यानी तेजाबियत है, तेजाबियत को भी ये दूर कर देता है। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वॉमिट की, नोज़िया की, मतली की, यानी दिल ख़राब हो रहा है, उल्टी आ रही है और गैस है, इसकी रेमेडी पसंद आई होगी। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। मुझे इजाज़त दे, फिर हाफिज़, टेक केयर।